Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म आवर अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 यानी कि टाइगर 3 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, 12 नवंबर का जो दिन है वो आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज्यादा नजदीक आते जा रहा है। इसके रिलीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। पीपल आर ईगली वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर द रिलीज ऑफ टाइगर 3, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 के बारे में। देख गाइस, एक जमाना था जब हमारी इंडियन फिल्म्स, स्पेशली बॉलीवुड फिल्म्स जो थी, उनका डिस्कशन हॉलीवुड में इतना नहीं हुआ करता था। हमने देखा किस तरह से वायरफ की जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो टाइगर वर्सेस पठान हो या फिर वॉर 2 हो, उनकी जो अनाउंसमेंट्स थी, यानी कि बाय द प्रोडक्शन हाउसेस, वो बाकायदा वैरायटी जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने अपने यहाँ पे पोर्टल्स पे पोस्ट किया था। पहले ऐसा नहीं होता था, दे शुड नॉट टेक सो मच इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने देखा किस तरह से ये बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो ओवरसीज फाड़ बिजनेस कर रही है, ऐसे ऐसी जगहों पर कि यूएस पे, यहाँ पर जवान ने शाहरुख खान की चार्ट जो है वो टॉप किया था, इंक्लूडिंग पठान। एंड अभी आलम कुछ इस तरह से था कि रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म लियो ने लियोनार्डो कैप्रियो की फिल्म जो है उसको बीट कर दिया, यानी कि किलर ऑफ द फ्लावर मून को एट द वीकेंड बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड। एंड इसी का कारण है, चाहे फंडागो हो, वैरायटी हो, द रैप हो, डिस्कसिंग फिल्म्स हो, डेडलाइन हॉलीवुड हो, टोटल फिल्म हो, ये सारे के सारे पब्लिकेशंस अब निगाहें जो है टिका कर रखे हैं हमारे इंडस्ट्री की तरफ। क्योंकि इससे पहले वो 1000 करोड़ की फिल्में थी, लेकिन अब उनकी तादाद जो है थैंक्स टू शाहरुख खान और ज्यादा हो गई है। एंड अब जो नया कंटेंडर आया है मैदान में वो है टाइगर 3। अभी गाइस, द रैप जो है पब्लिकेशन, एक हॉलीवुड पब्लिकेशन है, वहां पर बहुत बड़ा राइटअप आया है टाइगर 3 को लेकर, जहां पर लिखा गया है इंडियन टेंटपोल्स लाइक ट्रिपल आर एंड जवान एंड पठान रूटीनली गेट आईमैक्स रिलीजेस इन इंडिया बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स। लेकिन व्हेन द एक्शन स्टार सलमान खान टाइगर 3 ओपन्स ऑन द वीकेंड ऑफ नवंबर 12, इट विल डू जस्ट दैट। यानी कि जब 12 तारीख को सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमा घरों में आएगी, इन बिटवीन यानी कि इसी दौरान मार्वल्स जो कि 10 नवंबर को रिलीज हो रही है, द हंगर गेम्स बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक ये 17 को आ रही है, दे विल नॉट हैव दोज प्रीमियम ऑडिटोरियम्स। यानी कि अभी ये ऑफिशियल हो चुका है कि जब टाइगर 3 आएगी तो जितने भी आईमैक्स स्क्रीन है वो सारे के सारे टाइगर 3 को मिल जाएंगे। ये अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, ना मार्वल्स को मिलेंगे ना यहाँ पर बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक को मिलेंगे। इसकी शुरुआत हुई पिछले हफ्ते, जहां पर लियो को सारे के सारे आईमैक्स शोज जो है वो दे दिए गए थे। यस, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में पीवीआर एंड सिनेपोलिस ने उस फिल्म को रिलीज नहीं किया, अलग बात है। और लियोनार्डो कैप्रियो की फिल्म जो है एक हफ्ता पोस्टपोन हो गई, यानी कि अब आईमैक्स को ही मालूम है कि इंडिया में आईमैक्स का क्या क्रेज है। आईमैक्स के टिकट प्राइजेस कैन गो अप एज बिग एज 2,500 रुपीज। लियो के बेंगलुरु के आईमैक्स के टिकट्स मैंने अपने चैनल पर दिखाया है, 2,300-2,500 रुपए के बिके हैं। तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग जरूर अपनाना चाहिए टाइगर 3 के लिए, क्योंकि टाइगर 3 एक फ्रेंचाइजी है, ये टाइगर का थर्ड पार्ट है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। केजीएफ चैप्टर 2 भी आईमैक्स में 750-800 हजार रुपए की टिकटें थी, पठान भी 800-1,000 रुपए की टिकटें थी आईमैक्स वर्जन में। ये जो है फिल्मों के कलेक्शन को डेली एक डेढ़ करोड़ यूनो इनहेंस करता है, जो एक काफी बड़ी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, जवान आज भी ऑलमोस्ट 50वां दिन आने वाला है, आज भी मुंबई में चाहे वो कुर्ला फिनिक्स मॉल हो या अन्य जगह हो, मलाड में 4DX वर्जन में चल रही है। इंडियन फिल्म्स हैव बीन आउट परफॉर्मिंग हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, समझ में आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंडियन फिल्में जो है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स को इंडिया में आउट परफॉर्म करते आ रही है। एंड मनीष शर्मा की जो फिल्म है टाइगर 3 वो सेम स्पाई यूनिवर्स में है जहां पर पठान थी, जहां पर वॉर थी। तो ये विनिंग स्ट्रीक जो है बॉलीवुड का वो आगे बढ़ता रहेगा। एंड इन्होंने बहुत बड़ा राइटअप दिया है, कहा है कि टाइगर 3 हैड नॉच्ड आईमैक्स एंगेजमेंट्स फॉर व्हाट विल बी अ संडे ओपनिंग। यानी कि संडे को हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि टाइगर 3 ने सारे के सारे आईमैक्स स्क्रीन जो है वो ले लिए हैं। यहाँ पर कहा है कि ये फिल्म जो है भले
ड्यून का जो पार्ट टू है नवंबर में आएगा, फिर भी टाइगर जो है आईमैक्स की स्क्रीन जो है वो लेते हुए जाएगा। द हॉलीवुड मूवी बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय एन इंडियन फिल्म विच कैन सेंड अ ह्यूज मैसेज, यानी कि हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म एक हॉलीवुड की बड़ी फिल्म को यहाँ पर हटा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आईमैक्स को पता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में रिलीज करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको यहाँ पर इंडियन ब्लॉकबस्टर्स चाहिए, जिनका एक 1.3 बिलियन का मार्केट था 2022 में, जिसमें से इंटरनेशनली फिल्म ने ऑलमोस्ट आउट ऑफ एन टोटल 18.4 बिलियन के मार्केट में, समझ में आ रहा है। तो इसी का कारण है हॉलीवुड एंड टॉलीवुड फ्लिक्स हैव बीन बिगर इन मोस्ट हैव बीन बिगर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, एंड इसी का कारण है यहाँ पर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को, which everyone expects to earn more money globally, इसी का कारण है यहाँ पर IMAX वर्जन को जो है यहाँ पर दिया गया। इतना ही नहीं, हाइड पार्क के जो CEO है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर the worldwide audiences will grow as consumers, and इसी का कारण है ये हिंदी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे, चाहे वो नवम्बर 12 हो, उसके बाद 13th हो, उसके बाद 14, 15, 16, ये पूरा का पूरा नवंबर का हॉलीडे पीरियड है टाइगर 3 के लिए, जहां पर संडे को ये फिल्म एक मैसिव फैन ड्रिवन ओपनिंग लेने के कगार पर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि फिल्म संडे को एक बाप लेवल की ओपनिंग लेगी, एंड उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे से कंटिन्यू होते होते नेक्स्ट वीकेंड तक ये फिल्म जो है वो ओपनिंग लेते जाएगी, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि 8 दिन का टोटल हफ्ता जो है यहाँ पर फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे लेगी। टाइगर 3 अ ह्यूज मूवी डिस्प्लेसिंग एन MCU मूवी, यानी कि ये इंडियन फिल्म MCU की मूवी को जो है वो डिसलोकेट कर रही है मार्केट में से, ये सबसे बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है कि टाइगर 3 ऑन दिवाली इंडियाज बिगेस्ट हिंदू नेशनल हॉलीडे इज अ बिग बिग फिल्म, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेस्ट, यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है, एंड गाइज यहाँ पर इसी का कारण है आईमैक्स यहाँ पर इट मेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स कि आईमैक्स क्यों नहीं टाइगर 3 को पूरे के पूरे स्क्रीन देगा, एंड ये गाइज एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। अब ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि टाइगर 3 आईमैक्स के सारे स्क्रीन एंड शोकेसिंग जो है लेकर जाएगी, एंड एक बहुत ही बाप लेवल के शो काउंट पर रिलीज होने वाली है। ओके गाइस, सो ये इंटरेस्टिंग रॉ एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, मुझे लगा आपसे चीजें शेयर करनी थी, कल ही आ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मैं बिजी था, कल कोई वीडियो बनाया नहीं था, इसलिए आप सभी लोगों को नहीं बता पाया। तो भैया समझ में आया हो सरल तो एपिसोड को लाइक कीजिए। साइन ऑफ यू, गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।